क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है जिनके आफ्टर इफेक्ट्स आपको आज से 4-5 साल 7 साल में दिखाई देंगे कि ये इतने साल पहले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी, उस पॉलिसी का बेनिफिट इस लिस्टेड कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली उठाया था और इसका बेनिफिट जो है आज की डेट में इस कंपनी को ज़रूर मिल रहा है। इस सिचुएशन पे मैंने एक गवर्नमेंट की पॉलिसी उठाई है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम ऑयल। इंडिया की आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है कि जितना भी हमारा वेजिटेबल ऑयल है पाम ऑयल, वो तकरीबन तकरीबन 50% से भी ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। अब ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो बाकी कंट्री से, उसके लिए गवर्नमेंट हमारी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती रहती है और उन स्टेप्स को पढ़ के अगर आप कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करें तो आपको एक फंडामेंटल ओवरव्यू पता चल जाएगा कि ये फलानी इंडस्ट्री है, इसके अंदर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आने वाले फ्यूचर में ज़रूर दिखाई देंगे। ये चीज़ें काफ़ी स्लो मूविंग होती है क्योंकि एक कंट्री के अंदर जब वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन ही नहीं है, कल्टीवेशन ही नहीं है, तो एकदम आपको रेवेन्यू रिजल्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे हिसाब दिखाई देगा। यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड भी आपको लंबा रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म व्यू से मार्केट में बैठेंगे, स्टॉक की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा, कंपनी के फंडामेंटल करंट प्रोजेक्ट्स पे आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं रहेगी कि स्टॉक प्राइस चल क्यों नहीं रहा। इस केस के अंदर मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है, गोदरेज एग्रोवेट, जो कि पिछले एक साल से मैं रडार पे रखा हुआ है और इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई। स्टॉक प्राइस अभी तक इतना ज़्यादा चला नहीं है जिससे कि आपको कुछ पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे, लेकिन कंपनी ग्राउंड लेवल पे इतने बड़े बड़े काम कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कंपनी का आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट प्लांट जो है वो कमीशन किया है वेजिटेबल ऑयल का, जिसके अंदर उनकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 400 मिलियन टन्स की होगी। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की कुछ स्टेट्स के अंदर हमारा ग्रोथ का आउटलुक हो सकता है पाम ऑयल कल्टिवेशन का, अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स दे इन प्राइवेट कंपनीज को। इसी सिचुएशन पे रिसेंटली गोदरेज एग्रोवेट को तेलंगाना स्टेट, जिसके अंदर अराउंड 10,000 एकड़ ज़मीन प्लस और भी इंडिया की स्टेट्स हैं जहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट को इन चीज़ों के इनिशिएटिव्स मिले हैं और उनको लैंड अलॉट हुई है कल्टीवेशन को लेके। ये सिचुएशन पे आपको इतना पता चल जाएगा कि अगर आप हर 3 महीने के बाद कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी के फलाने 3-4 बिजनेसेस हैं जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती होगी, लेकिन ये कंपनी एक ऐसा कैश फ्लो पे काम कर रही है जो कि फिलहाल इंडिया में इम्पोर्ट होता है, ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया में लिस्टेड प्लेयर्स के अंदर काफ़ी कम कंपनीज कर रही हैं, और ऐसा बिजनेस जहाँ पे गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव दे रही है आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। इस सिचुएशन में एक तो आपको थोड़ा सा पोटेंशियल मिलता है इंसेंटिव्स का जो कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, प्लस कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इन चीज़ों से काफ़ी फायदा होता है। अब इंडिया में हमारे इतने फार्मर्स हैं और हमारी जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक हमारा फार्मर्स बनता है, वहाँ पे अगर ऐसे कुछ इंसेंटिव प्लान्स गवर्नमेंट लेके आए जो कि ये प्राइवेट कंपनीज आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो मुझे लगता है कि इससे पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का फ़ायदा होता है। इन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक व्यू रखना है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें अभी ग्राउंड लेवल पे चल रही हैं, इनकी कल्टीवेशन अभी होनी है, आज से 3-4 साल में टाइम लगेगा, लेकिन इनका स्टेटस अपडेट आप मैनेजमेंट इंटरव्यूज, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर अपना टाइम खुद लगा के देख सकते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर अगले 7 सालों में कुछ ऐसे सेक्टर्स इंडिया में डेवलप हो रहे हैं जैसे कि काफ़ी ईवी के ऊपर थीम बन रही है, वैसे ही और भी सेक्टर्स इकोनॉमी के होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि जो हॉटेस्ट सेक्टर है उसी पे ही आपको पैसा लगाना है, आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स में भी पैसा लगाना चाहिए जो कि फिलहाल अभी पब्लिक मीडिया में इतना ज़्यादा आउट लाउड लोग नहीं बोल रहे, क्योंकि वहीं पे ही आपको एक स्केयर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी और वहीं पे आप एक अपना स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ले सकते हैं कि मेरा कुछ पोर्टफोलियो अमाउंट जो है वो मैं 5-7 साल के लिए इसके अंदर लॉन्ग जेस्टेशन टाइम पीरियड लगा के रखूँगा। ऐसी चीज़ें करने से आप हमेशा स्टॉक प्राइस देख के घबराएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, पढ़ाई जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी को लेके आपका विश्वास होगा और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।